मिडिल 19th सेंचुरी से जो है शुरुआत हुई टैनरीज की। अर्ली 90s में करीब 170 के करीब टैनरीज थी और आज उनकी संख्या बढ़ के 400 से अधिक हो गई है। और ये सारी टैनरीज कानपुर के एक क्षेत्र में जाजमऊ में स्थित हैं और ये जाजमऊ गंगा के किनारे स्थित है। और टैनरीज के कारण जो है गंगा दूषित हो रही है, टैनरीज का वेस्ट वाटर सीधे गंगा में जाता है। टैनरी वेस्ट वाटर इज़ ए डेडली कॉकटेल ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद इस वेस्ट वाटर का उपयोग इरिगेशन के लिए होता है, तो उसका असर जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे और सॉयल पे भी है। मैं 1982 में कानपुर आया। कानपुर में अपनी गुजर बसर कर रहे अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकोप है डायरिया का, क्योंकि प्रदूषित पानी हम लोग पीते हैं। अगर कहीं भी पानी लाकर रखेंगे थोड़ी देर के अंदर वो पीलापन छा जाता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल आ जाता है। टेंडी का पानी है जैसे सब गैस मारती शाम को, ये है ख़राब भाई। शाम को आप आ जाइए जैसे 8 बजे 9 बजे के टाइम, तो इतनी बदबू मारती कि आँखों में गैस लगेगी आपके। ये केमिकल का पानी के बच्चे सबका ये सब आँखों में भर जाता है। कानपुर में लेबर्स को यहाँ बहुत कोई ऐसी शिकायत नहीं है, और लेबरों को कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से कम किसी की अर्निंग नहीं होती है यहाँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए लोग यहाँ खुशहाल हैं। 4 हज़ार में क्या होता है, कहाँ से बच्चों को मैनेज करें, कहाँ से बच्चों को पढ़ावें, कहाँ से खिलावें, कैसे करें। मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ कि बच्चों को अच्छे से स्कूल में एजुकेशन करा सके या उसको अच्छा से पढ़ा सके। बड़ी बीमारी पड़ता है तो उसमें मुझे किसी से कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इतना में मुझे जब पेट नहीं भर पा रहा है तो मैं इलाज कहाँ से कराऊंगा, बच्चों के कहाँ से परवरिश सही से कर पाएंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। काम कभी चलता है कभी नहीं चलता है, 5-10 हज़ार कभी कमा लेते कभी महीनों बैठे रहते हैं। उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि सालों काम करेंगे या 6 महीने काम करेंगे या 2 महीने काम करेंगे। जो भी यहाँ पर मजदूर भाई है, बहुत से मजदूर है यहाँ पर कि जो दयनीय स्थिति, हमसे भी दयनीय स्थिति में गुजर बसर कर रहा है। और जिसको भी एक टाइम खाता है तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि सोच रहे काम मिलेगा कि नहीं। अब हम लोग चलो भाई अंगूठा छाप हो गए, कहीं कुछ नहीं किया, लेबरी करके खिलाया पिलाया, बच्चों को पाला पोसा, गरीबी में जैसे पाया उसे करा। हर आदमी सोचता मेरे बच्चे खुशहाल रहे, घर परिवार बढ़िया रहे। अगर हम लोग चाहें भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना नहीं दे सकते, उनकी ज़रूरतें पूरी करना नहीं कर सकते, अगर उन्हें कुछ बनाना है वो भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों की न तो ज़रूरतें पूरी हो सकती ना ही बच्चे आगे का भविष्य बना सकते हैं अपना, आधे अधूरे जीवन में ही रह जाते हैं बच्चे।
Jajmo area is in the tight grip of tannery pollution and is highly unorganized. और ये ना तो residential area है और ना ये तो industrial area है, दोनों mixed है. तो लोगों के रहने की अगर अलग से व्यवस्था हो workers के और वहाँ पे उनको basic amenities मिलें तो उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, प्लस उनके वेजेस बढ़ाए जाएं और उनका जॉब परमानेंट किया जाए, सेफ्टी गेयर्स उनको प्रदान किए जाएं ताकि जो हैजार्डस केमिकल्स है उससे उनका बचाव हो सके.